आज वीकेंड कर्फ्यू का आखिरी दिन है और कल से प्रदेश भर में संपूर्ण लॉकडाउन लगने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज दौसा में पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल ने भारी जाप्ते के साथ शहर के बाजारों में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान मुनादी करके लोगों को सरकार की नई गाइडलाइंस के बारे में जानकारी भी दी गई। कल से जो नया लॉकडाउन चालू होने जा रहा है उसी के लिए आज हम लोगों ने पूरे दौसा जिले के अंदर फ्लैग मार्च निकाला है और उसी के बारे में लोगों को बता रहे हैं। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोगों को समझने की ज़रूरत है। एक तो शादी विवाह जो है, शादी विवाहों को सिर्फ 11 लोगों तक सीमित कर दिया गया है, जिसमें कोई टेंट, कोई हलवाई, कोई बैंड बाजा, किसी भी चीज़ की परमिशन अलाउ नहीं है। दूसरी जो चीज़ है वो है आपका जो परिवहन से लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसके अंदर सार्वजनिक परिवहन, अपनी रोडवेज की बसें, टेम्पो, हर चीज़ को बंद कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ आपकी मेडिकल इमरजेंसी की जो चीज़ें हैं या जो सेवाएं अनुमत हैं उनके अलावा किसी भी टाइप का मूवमेंट अलाउ नहीं होगा। पहले जैसे इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट को बंद किया गया था, इस बार जिले के अंदर गाँव से शहर में जाना, एक गाँव से दूसरे गाँव में जाना, उसको भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जो इस बार आए हैं और इसी चीज़ को बताने के लिए हम लोग पूरे सिटी के अंदर फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं और इसकी मुनादी कर रहे हैं।